देव्यो विमानगतया स्मन्ननुसारा कवरश्यत् प्रसून कवरा मुहुर्विनिव्या। गोपियां कहती हैं कि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को देख करके ब्रजंगनाएं स्तब्ध हो जाती हैं, उनका वस्त्र इधर उधर खिसक जाता है, उन्हें पता भी नहीं लगता। तो धन्य है वह देवांगनाएं। तब तक एक गोपी बोली, भैया बहन इन देवांगनाओं को तो छोड़िए जो मैंने देखा अपनी आंखों से। तो वो गोपी दूसरी को बोली, बहन तूने क्या देखा? कि गावश कृष्ण मुख निर्गत बेणु गीत पीयूष मुत्त भित्त कर्ण पुटई पिबंत्य सावास्तनुस्तपय कबला स्मतस्तु गोविंद आत्मनिदृशा श्रुकुलास प्रसंत्यः। गोपी बोली, हे बहन मैंने देखा है, तू गोपियों की बात कर, तू देवियों की बात कर रही है, उसे छोड़िए। अरे अपनी गऊओं को तू नहीं देखती क्या? तूने कभी अपनी गायों को नहीं देखा? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी भरते हैं, बजाते हैं, तब गब गऊए उनका मधुर संगीत सुनकर अमृतमयी उस वेणु ध्वनि को वो अपने हृदय में उतार लेती और उसका असर उसके दूध के ऊपर पड़ता है। तुझे पता है कि अपने बच्चे कितने अच्छे हैं? तुझे पता है अपने बच्चे कितने सरल हैं, कितने सीधे हैं? ये इसमें गैया के दूध का प्रभाव नहीं है। तो फिर जो गैया कृष्ण की बांसुरी सुन करके उसको अपने हृदय में उतारती हैं, तो कृष्ण की बांसुरी सुन करके गैया के दूध को मजबूताई मिल गई है। और ऐसे दूध को हमारे बच्चे जब पीते हैं तो हमारे बच्चे बलवान हो गए हैं। ये कृष्ण की वेणु का, ये कृष्ण की बांसुरी का इतना बड़ा प्रभाव है, गोपी कहती है। गोपी कहती है कि कन्हैया की बांसुरी को गोपियां कान उठा करके सुनती हैं। और जब उनके बच्चे दूध पी रहे होते हैं, इतने में कृष्ण की वेणु बज जाती है, तो ना दूध बाहर उगलता ना दूध अंदर जाता, दूध उनके कंठ में ही जाकर के स्थापित हो जाता है, विराजित हो जाता है। साभास तुनपने यहा कबले आसमतस्तु हु। अरे बहन हमसे ज्यादा तो बढ़िया वह बछड़े और वो गैया है जो कृष्ण की वेणु सुनकर के गैया के थनों से दूध अपने आप झरता है। और जब वह बछड़े उस दूध को अपने मुंह में ले लेते हैं, ना निगल पाते ना अंदर ले पाते, उनको हृदय में भगवत तत्व का स्पर्श का आभास होता है, नेत्र उनके छलक आते हैं। स्पष्ट वर्णन है कि जिस समय गाय का दूध ब्रज के ये बछड़े पीते थे, देखो पशु हैं लेकिन कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति देखिए, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, आनंद के आंसू आ जाते, ज्यों के त्यों वह ठिटकने लगते। कृष्ण बांसुरी बजाते, वो दूध कंठ में रख करके अपनी पूंछ को हिलाते हैं, अपने पामों को इधर उधर, कहा के यहाँ के जो गाय और बछड़े ये हमसे ज्यादा बड़भागी है, भाग्यशाली है। कृष्ण की बांसुरी पर शायद उतना समर्पित कन्हैया के ऊपर जितना समर्पित हम नहीं हो पाए, जितना सौभाग्य इस ब्रज के गाय और बछड़ों ने प्राप्त किया। ब्रज की गैया तो ये प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप जैसा हमारा बेटा होता। बछड़े कहते हैं कि आप जैसी हमारी माँ होती, इसलिए एक लीला की है भगवान ने। भागवत जी में आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ने उस लीला में ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल वालों को, बछड़े और गायों को, सबको चुरा लिया, भागवत की कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण उतनी ही गाय बन गए, बछड़े बन गए और ग्वाले बन गए। ऐसा क्यों किया ये लीला कृष्ण ने? क्यों की? क्योंकि भगत जैसा चाहता है प्रभु उसका पूरा करते हैं। गायों ने सोचा था कृष्ण जैसा बछड़ा होता,
दूध पिला करके धन धन हो जाती तो गाय की अभिलाषा पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बछड़ा बन गए। बछड़े भी सोचते थे गाय कृष्ण जैसी हमारी माँ होती, हमारे ऊपर बड़ा दुलार करती, उन बछड़ों की अभिलाषा पूरा करने के लिए कृष्ण ही गैया बन गए। ये लीला भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी अद्भुत लीला करी है, आठ गोपियों का रोम रोम रोमांचित होने लगा, उनकी आंख में आंसू आ गए। वह उन गायों की बड़ाई प्रशंसा, एक गोपी बोली बहन मैंने अपनी आंखों से एक अचंभा और देखा। वेणु कहता है किसी न किसी बहाने से भगवत चर्चा होनी ही चाहिए, कोई भी बहाना हो परमात्मा की चर्चा होनी चाहिए। आज विज्ञान का युग है, टीवी पर कथा सुने, आपके नगर में लोग आवे कथा कहने को, महापुरुष लोग आवे, टाइम निकाल करके वहां जाइए, महापुरुषों की वाणी सुनना यही कृष्ण की बांसुरी की आवाज है। भगवत हरि चर्चा सुनना, भगवान की कथाएं सुनना यही भगवान कन्हैया की वेणु की आवाज है। तो इसमें व्यक्ति की दुर्गति नहीं, व्यक्ति का आनंद है और उसका कल्याण है। ये कथाएं संसार के मोह को हटा करके परमात्मा के चरणों में प्रीति जोड़